भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संक्रमित मरीज के निवास स्थल को संक्रमण केंद्र मानते हुए उसके 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं इस सीमा के अगले 5 किलोमीटर एरिया को बफर जोन माना गया है। जिला प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन में 47 जगहों पर बैरिकेटिंग और 15 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। वहीं शुक्रवार को भागलपुर DIG सुजीत कुमार, SSP आशीष भारती, CTDSP राजवंश सिंह समेत कई अधिकारी सील किए गए स्थानों पर पहुंचे और ड्यूटी में तैनात जवानों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। DIG सुजीत कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी संस्थान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, साथ ही आमजनों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने सिकंदरपुर, मिर्जान, गुरट्ठा चौक, मुजाहिदपुर, अलीगंज समेत कई इलाकों में जाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। DIG ने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया के लोगों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन के लोग किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इन नंबरों पर 7661910 7033088877 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस उनकी मदद करेगी। एसेंशियल आइटम्स की जो जहां तक है तो उन इलाकों में प्रशासन के स्तर से डिलीवरी करने की व्यवस्था की जानी है। क्या एसेंशियल सर्विसेज जो है एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में वो प्रशासन को इन्फॉर्म करके कुछ उस तरह का प्रयास जो है रहता है, बट डिलीवरी होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जानी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बरारी में एक लॉकडाउन को विशेष रूप से इस कारण से और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। यहाँ के बाद हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी उसको देखेंगे जाकर। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भागलपुर में पुलिसिया गतिविधि बढ़ा दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है और भागलपुर में 4 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हम मौजूद हैं लोहिया पुल पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दक्षिणी क्षेत्र की ओर जो रास्ता जाता है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। भागलपुर के DIG सुजीत कुमार और SSP आशीष भारती खुद सभी स्थानों का जायजा ले रहे हैं और कुल 47 स्थानों को चिन्हित किया गया और वहां पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई। आप देख सकते हैं कि पुल पर पुलिस की चहलकदमी तेज हो गई है और पुलिस बल काफ़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और जो कोरोना वायरस का चैन है उसको रोकने के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है और जो भी सेवाएँ हैं वहाँ पर, जो भी प्रतिष्ठान हैं, दफ्तर हैं या जो भी दुकानें हैं उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जब DIG सुजीत कुमार से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी सेवाएं यहां पर है वो प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने जाएगी। हम आपको फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है और चौकसी की जा रही है, यहाँ पर नाकेबंदी पूरी तरीके से की जा रही है और किसी को भी आने जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। सिल्क TV भी आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के गाइडलाइन का अनुपालन करें और अपने घरों से बाहर ना निकले, तभी कोरोना वायरस के चैन को तोड़ा जा सकता है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भागलपुर पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, साथ ही पूरे जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है और अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वाले सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को CTSP सुशांत कुमार सरोज, CTDSP राजवंश सिंह एवं ट्रैफिक DSP RK झा ने कई स्थानों पर जाकर ड्यूटी में तैनात जवानों को नए नियम की जानकारी दी और कहा कि किसी भी सूरत में कंटेनमेंट जोन में लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। वहीं CTSP सुशांत कुमार सरोज ने ततारपुर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष सुबोध कुमार से इलाके की जानकारी ली, साथ ही CTSP ने माइक्रो सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुल रहमान, समाजसेवी हाजी अख्तर और बिलाल खान से लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया।
CTSP सुशांत कुमार सरोज ने ड्यूटी में तैनात सभी पदाधिकारी और जवानों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्य करने की बात कही। देखिए, हम इसे आपसे सहमत में हम नहीं है, बहुत कम लोग आबादी, कितना आबादी है भागलपुर का, तो मैं कहूँगा कि 1-2% लोग रोड पे है, उसमें से मैक्सिमम लोग जेन्युइन आई कार्ड है या पास है, जो कुछ समझ छूट दी गई है वो लोग उसमें आने वाले हैं, तो भी कुछ लोग हैं इक्का दुक्का निकल जाते हैं। तो आप देखते हैं पर डे काफ़ी फाइन अप्लेक्ट हो रहा है, किसी भी चौक चौराहे से आदमी बच नहीं सकता है, अरे कहीं एक से बच जाएगा तो फाइन हो जाएगा, वो लोग काफ़ी लोग फाइन कर रहे हैं। अपील यही करते हैं कि ये सबों का सामुदायिक मतलब जवाबदेही है, सभी मिलके इसे हम लोग फाइट करें। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर बांका में दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को बांका में दूसरे कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बांका का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज अमरपुर से मिला था, जबकि दूसरा मरीज बांका के बेलहड़ प्रखंड विशनपुर गाँव का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज 2 दिन पूर्व ही बांका आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था और ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर चिकित्सकों ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। 36 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई के धारावी से बांका के बेलहर विशनपुर आया था। गौरतलब हो कि अमरपुर से मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मुंबई से एम्बुलेंस द्वारा बांका आया था। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीज से संपर्क में आए लोगों की पहचान कर जाँच कराने में जुट गई है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल को कोरोना अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन मायागंज अस्पताल में अब तक कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण रिपोर्ट आने में 2 दिनों का समय लग रहा है। जबकि JLNMCH के वरीय फिजिशियन डॉक्टर DP सिंह के द्वारा 16 अप्रैल तक अस्पताल में कोरोना जाँच की सुविधा उपलब्ध होने की बात कही गई थी। सिल्क TV को दिए गए बयान में डॉक्टर DP सिंह ने कहा था कि अस्पताल में कोरोना टेस्ट शुरू होने के बाद अधिक संख्या में मरीजों की जाँच होगी, लेकिन भागलपुर में पॉजिटिव मरीज मिलने और कोरोना अस्पताल बनाए जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जांच शुरू नहीं हो पाई है। पूरे पूर्वी बिहार का एकमात्र यह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है घोषित किया गया है, और इस एरिया में 8-9 जिले हैं और एडजॉइनिंग जो है झारखंड के भी लोग हैं, यहाँ आते हैं और इलाज करवा रहे हैं, जो कोरोना के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और एक दूसरी भी खुशखबरी है कि 2-4 दिन के अंदर 15-16 तारीख के बाद में हो सकता है कि हम लोग जांच की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, ताकि 2 दिन का जो इंतजार करना पड़ता था वो इंतजार अब कोरोना के जाँच के लिए नहीं करना पड़ेगा। पूर्व रेलवे मालदा मंडल अंतर्गत कहलगांव रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF, GRP एवं जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान RPF बैरक में पुलिस कर्मियों एवं महिला कांस्टेबलों के बीच सैनिटाइजर, मास्क एवं हैंड ग्लव्स का वितरण RPF प्रभारी विभूति झा की मौजूदगी में किया गया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने सुरक्षा सामग्री वितरण करने के साथ सभी जवानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव से संबंधित जानकारी दी और कहा कि सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करके कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। RPF प्रभारी ने कहा कि संघ की ओर से देश भर में निशुल्क और निस्वार्थ सेवा दी जाती है, जो सराहनीय कार्य है। साथ ही कहा कि देश भर में चलाया जाने वाला जागरूकता अभियान में संघ को किसी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी सहायता नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद संस्था निरंतर सेवा कार्य में जुटी हुई है। इस मौके पर मोहम्मद मिनहाज आलम, कारी चलन शर्मा, प्रवीण दुबे, सुमित अग्रवाल, अर्पित जालान, डॉक्टर रकीब आलम, प्रकाश गोयंका, नीरज मिश्रा, संदीप झुंझुनवाला समेत कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF GRP के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग मालदा डिवीजन अंतर्गत कहलगांव रेलवे स्टेशन पर अपने जितने भी अपने RPF और GRP के जो यहाँ पदस्थापित पदाधिकारी साथ ही साथ जवान हैं, उनको संस्था के द्वारा जो है सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि उनकी जान माल को कोई खतरा ना हो, वो पूरी तरह से सावधानी बरते। इसके साथ ही साथ आज RPF प्रभारी महोदय के समक्ष साथ मिलकर जो है यहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें कि सभी को बताया गया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए पूरी तरह से मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं,
इसको देखते हुए आज संस्था संपूर्ण भारतवर्ष में नशाखुरानी जहरखुरानी के साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर भी जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही साथ आरपीएफ परिवार के सहयोग से जीआरपी के साथ मिलकर हम लोगों तक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि जिनको दवाइयों की ज़रूरत है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके वो दवाई अपने घर तक पहुँच मंगवा सकते हैं। सिर्फ दवाई का जो मूल्य है वही उनको भुगतान करना है। संस्था के द्वारा 4 एम्बुलेंस इसी काम के लिए लगी हुई है और इसमें पूरी तरह से जिला प्रशासन का सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे आरपीएफ परिवार और जीआरपी के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को हम लोग सभी जगह कर रहे हैं। कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डॉक्टर अशोक कुमार आलोक दिहाड़ी मजदूरों, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन में किसी गरीब को कोई तकलीफ ना हो, इसी मुहिम के साथ भागलपुर के लाल डॉक्टर अशोक कुमार आलोक निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन एवं राशन मुहैया करा रहे हैं। पैसे की कमी हो या राशन की, भागलपुर का लाल अशोक कुमार आलोक संकट की इस घड़ी में निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के बीच खड़ा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक आम जनों से अपील करते हैं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र के सारथ डहलपुर पंचायत फाजिलपुर बहियार में शीतला स्थान एवं महंत बाबा स्थान की पिंडी तोड़ दिए जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पिंडी तोड़े जाने की जानकारी लोगों को तब मिली जब शुक्रवार की सुबह ग्रामीण महिलाएं शीतला स्थान पूजा करने पहुंची। महिलाएं बिना पूजा किए ही वापस घर लौट गई और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल की पिंडी तोड़े जाने की सूचना भड़ोखर गाँव में कैंप कर रहे पुलिसकर्मियों को दी। तब तक गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखते ही देखते कई गांव से सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही गोराडी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था निसार अहमद शाह भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। हालांकि जगदीशपुर बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता एवं गोराडी सीओ नवीन भूषण के घटनास्थल पर पहुंचने और समझाने के बाद लोग शांत हुए। डीएसपी निसार अहमद शाह ने कहा कि तोड़ी गई पिंडी को शीघ्र ठीक करवाया जाएगा और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पिंडी तोड़े जाने वालों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की जा चुकी है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शहर के कई इलाकों में माइकिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना एवं लॉकडाउन को लेकर जागरूक किया गया। संगठन के प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा एवं जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्मा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम को सहयोग करने की अपील की गई। ईशान सिन्हा ने कहा कि कई बार स्क्रीनिंग करने गई टीम को सहयोग नहीं करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खबर आती है, लेकिन ऐसा करने से कोरोना की लड़ाई जीतना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद परेशानी बढ़ गई है और सभी को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। गौरतलब हो कि संगठन की ओर से लॉकडाउन में लगातार जागरूकता अभियान के साथ खाद्य सामग्री वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों एवं असहाय परिवार के लोगों को भोजन कराया गया।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती देवी पिछले कई दिनों से गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रही है। जीप उपाध्यक्ष आरती देवी एवं उनकी टीम गांव मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इस दौरान जीप उपाध्यक्ष को लॉकडाउन में फंसी बीमार महिला की जानकारी मिली, जिसके बाद आरती देवी ने माइग्रेन से पीड़ित बीमार महिला के लिए दवा उपलब्ध कराई। आरती देवी ने कहा कि विकट परिस्थिति में सभी लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जीप प्रतिनिधि विजय यादव, प्रदीप यादव, नीरज यादव, राकेश यादव एवं आनंद यादव के सहयोग से सभी जरूरतमंद लोगों की निरंतर सहायता की जा रही है। तो सभी लोग यहाँ पे विकलांग जो है, विधवा महिलाएं हैं, उसे हम लोग उपलब्ध कराए हैं और साथ साथ आगे भी जरूरतमंद परिवार जो पीड़ित परिवार है उसे आगे मुहैया कराए। और ये हमारी महिला बहन जो कि मोकामा की रहने वाली है, लॉकडाउन के कारण गोशादासपुर में अपनी बड़ी बहन के यहाँ इन्हें रुकना पड़ गया, तो इनका जो दवाई चल रहा था जिसे डॉक्टर कुमार गौरव जो न्यूरो फिजिशियन है, इनकी परेशानी को देखते हुए मैंने इन्हें तुरंत अविलंब 10 दिनों की दवाई को उपलब्ध कराया। लॉकडाउन को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाराहाट पीरपैंती की ओर से लगातार राहत वितरण कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को संस्था के अध्यक्ष परमानंद केजरीवाल के नेतृत्व में श्रीनगर पंचायत के सुंदरचक पिपरा बांसबिट्टा गांव में जाकर संथाली परिवार के लोगों के बीच भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और बिस्किट का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष परमानंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए संस्था हमेशा तत्पर रहती है और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा संस्था अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। परमानंद खेतान ने कहा कि भोजन बनाने के समय स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है और जरूरत के अनुरूप सूखा भोजन सामग्री भी बांटा जाता है। वहीं संस्था के गौरव केजरीवाल, कन्हैया लाल, परशुराम, मुकेश आजाद, थाना प्रभारी अनिल कुमार समेत कई सदस्य मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान गरीब एवं दिहाड़ी मजदूरों को भूखे पेट न सोना पड़े, जिसको देखते हुए जीप सदस्य सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के द्वारा जगदीशपुर बाजार में जनता किचन की शुरुआत की गई है, जहां जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन मिल रहा है। शुक्रवार को राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, उपेंद्र कापरी समेत कई लोगों ने टेकनी स्टेशन के समीप रह रहे बंजारन के बीच पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार आलोक सबौर एवं जातनगर प्रखंड के गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि लॉकडाउन रहने तक सभी जरूरतमंद लोगों के बीच राहत वितरण का कार्य जारी रहेगा। मौके पर संजीव शर्मा, उमेश यादव, सूरज, संतोष, बिट्टू, रजनीश सहित कई लोग मौजूद थे। कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन में उन परिवारों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। ऐसे में उन परिवारों के घरों का चूल्हा न बुझे, इसके लिए भागलपुर में कई संगठनों की ओर से लगातार राहत सामग्री वितरित की जा रही है। इसी कड़ी में एजाज ए सैयदना फाउंडेशन की ओर से पिछले कई दिनों से जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन बांटा जा रहा है। फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक में थानाध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद की मौजूदगी में आजम खान ने लोगों के बीच मास्क और राहत पैकेट बांटा। संस्था के सचिव सैयद अहमद अता हुशाम कादरी ने बताया कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही सचिव ने सभी लोगों से सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की अपील की है। वहीं एजाज सैयदना फाउंडेशन के आजम खान चिश्ती ने माह रमजान में सभी लोगों से घरों में रहकर इबादत करने और एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की बात कही। आज एजाज सैयदना फाउंडेशन की तरफ से हबीबपुर थाना क्षेत्र चमेली चक मोहल्ले में कुछ जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया और साथ ही राशन के साथ मास्क का भी वितरण किया गया और साथ ही हमारे थाना प्रभारी मोहम्मद इंसाल साहब का भी काफ़ी सहयोग रहा इसमें और सभी लोगों से ये गुजारिश की गई कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और बेफिजूल मतलब घर से बाहर नहीं निकलें। कोरोना वायरस को लेकर किए गए लॉकडाउन में कई सामाजिक संस्था एवं युवाओं की टीम अलग अलग माध्यम से लोगों की सेवा कर रही है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो समाज में मिले अनुभव और खाली समय का उपयोग आम लोगों के हित में कर रहे हैं। ऐसे ही एक शिक्षक हैं बरारी डियोड़ी रोड के धीरज कुमार तिवारी, जो कहलगांव के स्कूल में कार्यरत हैं, लेकिन लॉकडाउन में स्कूल की छुट्टी में घर पर ही हैं और जरूरतमंदों के लिए खुद से मास्क तैयार कर रहे हैं। धीरज तिवारी अपनी पत्नी मनीता तिवारी के सहयोग से मास्क तैयार कर आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क वितरण करते हैं।
धीरज ने कहा कि मास्क निर्माण की प्रेरणा उन्हें सड़क पर बिना मास्क लगाए चल रहे लोगों को देखकर मिली। उन्होंने कहा कि सड़क पर बिना मास्क लगाए लोगों से जब मास्क लगाने की सलाह दी गई तो उन्होंने मास्क नहीं मिलने और महंगा मिलने की बात कही, जिसके बाद शिक्षक खुद से मास्क तैयार कर लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में सभी को अपनी क्षमता के अनुरूप जनसेवा करनी चाहिए।